आज की ये कहानी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो एक मेरी बहन ने मुझे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। वो कहती हैं कि मेरी बड़ी बहन की उम्र 33 साल हो गई है और अभी तक उसका रिश्ता नहीं आया और ना उसका रिश्ता कहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। अब तो ये आलम है कि हमारे घर बिल्कुल रिश्ते नहीं आते, जो रिश्ते आते हैं वो सही नहीं होते। कोई शराबी होता है तो कोई बड़ी उम्र का। हम अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं कि हमारे नसीब खुल जाएं, क्योंकि हम अपने माँ बाप को परेशान नहीं देख सकते। अगर कोई रिश्ता आता भी है तो वो जहेज़ की डिमांड करते हैं। हमारे घर तो एक वक्त का खाना भी वह मुश्किल से बनता है, और जो रिश्ते वाले आते हैं वो जहेज़ में लाखों की डिमांड करते हैं। मेरे अब्बू पर परेशानी का ये आलम है कि मेरे अब्बू रात भर सो नहीं पाते। मेरी अम्मी अलग परेशान रहती हैं, परेशानी ले लेकर। मेरे अब्बू को आज शुगर हो गई है, वो अपना दुख हमें नहीं सुनाते, लेकिन हम उनकी औलाद हैं और हमें पता है कि हमारे वालिदैन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हम तीन बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। हमारे रिश्ते ना होने की परेशानी हमारे वालिदैन को दिन ब दिन खाए जा रही है। हम अपने वालिदैन को परेशान देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। हमें समझ नहीं आती कि किसे जाकर हम अपना दुख सुनाएं। रोज़ रो रो कर एक जिंदा लाश बन चुके हैं। हमारे रिश्तेदार भी हमारी गुर्बत देकर हमसे मुंह मोड़ गए हैं। हमारा कोई भी रिश्तेदार इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि सबने हमसे मुंह फेर लिए हैं। जब रिश्तेदार ही हमारे नहीं हुए तो हम बाहर वालों से क्या उम्मीद रखें। प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी परेशानियां दूर कर दे और हमारा नसीब खोल दे। हमारी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे लिए दिल से दुआ कीजिए। क्या पता आप में से किसी की भी दुआ अल्लाह पाक कबूल कर ले। मैं आज अपने अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती हूँ कि आज जिस परेशानी से मेरे वालिदैन गुजर रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक कभी किसी दुश्मन पर भी ऐसी परेशानियां ना लाए। माँ बाप बेटियों को दुनिया की हर चीज़ दे सकते हैं, बस एक अच्छा नसीब देने से हार जाते हैं। और आज की ये कहानी कहानी नहीं बल्कि हर दूसरे मिडिल क्लास घर की हकीकत है। बज़ाहिर तो कोई भी अपनी इज्जत की खातिर अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता, अगर किसी को पता चल भी जाए तो ये जालिम दुनिया उन्हें नहीं जीने देती। बस आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे। आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक सबको दूर करे। आमीन।